सो एनी क्वेश्चंस? सर मित्तल फ्रॉम लोकल न्यूज़ सर, हाउ वाज योर ट्रिप टू श्रीलंका सर, कैसा लगा आपको यहाँ? श्रीलंका? या आई मीन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू श्रीलंका। और हम तो यहाँ आते ही नहाने, क्रिकेट खेलने कौन आता है, वो तो मुफ्त में ही हो जाती है साथ ऐसे ही। और मी एंड द बॉयज़, यू नो, हम तो अपना साबुन शैम्पू सब लेकर आए थे इधर, क्योंकि हमें पता था कि हम यहाँ नहाने आ रहे हैं, क्रिकेट खेलने कौन आ रहा है। सो या वी इन्जॉयड अ लॉट। आई मीन सब नहाए, शाहीन नहाया, बाबर नहाया, रऊफ़ नहाया। और बाय द वे, आपका जो यू नो आपका जो स्टेडियम है, इट्स ब्यूटिफुल। आई मीन इतना बड़ा स्विमिंग पूल हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आई मीन कहीं भी खड़े होकर आप नहा लें, यू नो, बाउंड्री पे, पिच पे, इधर उधर कहीं भी। सो स्पेक्टेटर्स जो इतने पैसे भर के टिकट लगा के यहाँ आए थे सीटों पे बैठ के नहाने, दे इन्जॉयड अ लॉट। हैं, उसके बाद हमारे जो यूट्यूबर्स आए थे कि वो यहाँ आकर बैठ कर बारिश का व्लॉग बनाएंगे, उनके भी पैसे पूरे हो गए। और हमारी आवाम जिनके टैक्सेस के पैसों पे हम यहाँ आए हुए हैं, आई मीन पिस रही है, यानी पेट्रोल देख कर और डॉलर देख कर और बिजली के बिल पे करके, उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ भेज कर तो थोड़ी देर हमें यहाँ नहाता हुआ देख लेगी टीवी पर, तो उसका भी कुछ दुख कम हो जाएगा। तो आई थिंक उनके भी पैसे पूरे हो गए। हमारे मुल्क में आपको पता है इस दफ़ा गर्मियों में ज़्यादा बारिशें भी नहीं हुई, और होती भी तो सैलाब आ जाता। सो आई थिंक हम बारिश को बहुत मिस कर रहे थे। सो या इट्स ओवरऑल, यू नो, इट वॉज़ ग्रेट और इट वॉज़ फन, यू नो, टेकिंग अ शावर हेयर। थैंक यू सर। सर माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपको बॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा लगा? वो खेले नहीं ना, खेलते तो मैं बताता कि कैसा परफॉर्म किया है, अब खेले नहीं तो मैं कैसे बताऊं। हाँ, बट द कीड़ा, जिसको भी कीड़ा था ना कि यहाँ मैच कराना है और इन दिनों में कराना है, दैट कीड़ा प्लेड रियली वेल। और उसके बाद द क्लाउड्स, दे ऑल्सो प्लेड रियली वेल। आई मीन जो ओपनर्स आए, सबसे पहले जमकर खेले, बहुत अच्छा खेले, एक अच्छा बेस बनाया, फाउंडेशन दी। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू गो बैक टू द पवेलियन, और क्राउड समझा के हैं अब हम मैच पूरा देख लेंगे, इडियट। मिडिल ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर था क्लाउड्स का, इट ऑल्सो प्लेड रियली वेल, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू गो बैक टू द पवेलियन एज वेल। उसके बाद फिर क्राउड को लगा कि अच्छा जी चले जी, इतने टिकट के पैसे भर के आए हैं, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, बेवकूफ इग्नोरेंट पीपल। द टेल एंडर्स, आई मीन दे गेव द बिगेस्ट शॉक एवर, द बिगेस्ट सरप्राइज एवर, जम के खेले, आखिरी वक्त तक खेले, यहां तक के मैच कैंसिल हो गया। सो या द कीड़ा एंड द क्लाउड्स, दे बोथ प्लेड रियली वेल, और बगैर किसी कोच के, कमाल है। सर थैंक यू अगेन सर। सर माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ के अगर बारिश ना होती तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर कौन जीतता सर? भाई मुझे क्या पता किसने जीतना था, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ। वो तो बैठे हुए थे सारा दिन टीवी पे, उनके भी हमारे भी, वो कह रहे थे वो जीतेंगे, हम कह रहे थे हम जीतेंगे, लेकिन उन दोनों बेवकूफ़ों को नहीं पता था कि इट वॉज इवेंचुअली द कीड़ा जिसने जीतना है, तो कीड़ा जीत गया। एंड द क्लाउड्स, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। Thank you.